बहनों की तरह रहती है। हम लोग तीन देवरानी जेठानी है, मैं सबसे छोटी हूँ, वो बीच वाली बड़ी वाली अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। तो हम दोनों को काफी शौक है कि मतलब हम लोग कुछ करें ऐसा। और मेरे जो ससुर जी है मिस्टर नरेंद्र दंसवानी, वो भी रिटायर्ड फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर है। उन्होंने कभी बहू और बेटी में, जिस छोटी सिटी में होता है कि बहू को पर्दा होता है ये वगैरह होता है, लेकिन हमारी फैमिली में है, हमें बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस मिली है। तो हमें उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन है। अगर हमें फैमिली का मोटिवेशन नहीं होता, फैमिली हमें नहीं मोटिवेट करती कि तुम लोग करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, वो हमारी बैकबोन बन के बैठे हैं, तो इस वजह से हम दोनों को बहुत ज्यादा हौसला अफजाई मिलती है कि हम ये सब आगे करते हैं। और इतने लोगों को मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन हमारी फैमिली हमारी बैकबोन है, तभी हम लोग ये सब बहुत इजीली कर पाते हैं। ऐसे था कि यहाँ पे जॉब के लिए कोई ऑप्शन नहीं है टीचिंग के अलावा, और कुछ भी नहीं है। घर पे बच्चे बड़े हो गए, फ्री हो गए, ससुराल वालों ने अलाउ कर दिया, तो कुछ करना ही था तो सोच लिया। शादी को 10 साल हो गए हैं, फिर बेबी बड़ा हुआ तो लगा कि यार जॉब के भी काफी ऑफर्स आ रहे थे, टीचिंग के ये सब, पर वो मैं कर चुकी, तो मुझे लगा कि घर मैनेज करने के साथ साथ, बच्चा मैनेज करने के साथ साथ हम बिजनेस करें, उससे हमारा बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। और बाड़मेर में छोटे सिटी के अकॉर्डिंग वेराइटीज और वेरिएशंस कम देखने को मिलते हैं, तो हमें लगा कि अब बिजनेस करेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट जो है वो बढ़ेगा। हमारा मोटिव यही था कि हम लोग लेडीज को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। मैं अहमदाबाद जा चुकी हूँ, जयपुर जा चुकी हूँ, जोधपुर जा चुकी हूँ, इन तीन जगह एग्जीबिशन मैंने लगाई है। क्या अच्छा रिस्पांस मेरा हर जगह अच्छा रहा था। मेन तो आपकी प्रोडक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, तो हम अपने हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छी से अच्छा रखे वो कोशिश रखते हैं, और मार्केट से हमारा मार्जिन कम रहे, हमें भी लॉस नहीं हो, लेकिन मार्जिन हम लोग काफी लिमिटेड रखते थे कि लोगों को हमारा स्टॉक भी पसंद आए और मार्जिन रहे, तो लोग इजीली बहुत। यहाँ पे भी हमारी कोशिश यही है कि जो लेडीज आ रही हूँ कि वो लोग घर से काम करती है सब कुछ, तो उनका भी मार्जिन बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, ताकि तभी तो लोग आते हैं और खरीदारी करते तो हैं। मटेरियल कहाँ से है? मेरा बॉम्बे से आता है, दिल्ली से जगह जगह ऐसा था। पहले मैं खुद जाकर खरीदारी करती थी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2 साल पहले, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बढ़े तो हम लोग फोन पर ही मंगवाना चालू हो गए, हमारा आ जाता है। टीम सोच रखा है कहाँ एक दिन ये बिजनेस आगे डेवलप करना है, अभी हमारा घर है तो हमने सोचा हम घर को ही पूरा एज अ शोरूम डेवलप करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब हमारा जो है एक ही छत के नीचे लेडीज को सब कुछ मिल जाए, चाहे वो ब्राइडल ज्वेलरी हो, ब्राइडल बैग्स हो, ब्राइडल लहंगा हो, एज अ ब्राइडल टसल में पूरा अपना शोरूम बनना चाहती हूँ कि एक लड़की को कहीं भी जाना नहीं पड़े, क्योंकि लड़की जो होती है उनको चाहिए होता है सब चीजें, गहने हो गए या कुछ हो गए, तो मैं एक ही जगह पे वो सब करना चाहती हूँ। अभी तो ये छोटे से बंद हॉल में छोटी छोटी एक तरह से मार्केट लगाए कि एक लेडीज को कहीं नहीं जाना पड़े, सब कुछ मिल जाए, मेरा मोटिव ये है। और मैं अगर करना चाहूंगी तो आगे यही करना चाहूंगी, एक ही जगह पे सब लेडीज को सब कुछ मिल जाए। था कि यहाँ पे जॉब के लिए कोई ऑप्शन नहीं है टीचिंग के अलावा, और कुछ भी नहीं है। घर पे बच्चे बड़े हो गए, फ्री हो गए, ससुराल वालों ने अलाउ कर दिया, तो कुछ करना ही था तो सोच लिया बिजनेस का। तो दोनों में लीड कौन करता है? रानी करती है या करती है? दोनों ही करते हैं एक दूसरे का, जहाँ उसकी जरूरत होती है वो करती है, जहाँ मेरी जरूरत होती है मैं करती हूँ। कैसे शुरुआत कैसे हुई? यही काम करना है? शुरुआत ये थी, सोचा था कुछ करने का पहले, शोर संस्था, मेरे फादर इन लॉ एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी संस्था में हमने सोचा था, पर वो था कि संस्था में फिर गांव वगैरह जाना करना, फिर फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर बिजनेस का आइडिया डॉली का ही था कि बिजनेस करते हैं। अभी मैंने कहा चलो ठीक है, एग्जीबिशन में अहमदाबाद, जयपुर, अभी तो यहाँ गए हैं, बाकी जगह सोचा है जोधपुर तक गए, अभी यही सिटी कवर की है। बिजनेसमैन बनने के लिए क्या लगता है, क्या करना जरूरी है, किन बातों का ध्यान रखना? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब तो वो तो अभी तो इस फील्ड में आए हैं, जब सक्सेस हो जाऊंगी तब तो इस बात में बात करूंगी। जिस मोटो से देखते हैं वो तो वो तो चल ही रहा है और अच्छा चल रहा है। पहले हम एग्जीबिशन लगाते थे, अब हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशन। पहले हम खुद जाके लगाते थे एग्जीबिशन, एक स्टॉल मेंबर थे, अब ऑर्गेनाइजर हो गए हैं। ये इतना फर्क पड़ा है 1 साल में। ये जो चीज हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि हमारे साथ जो ग्रुप में लेडीज है ना, उनको बाहर जाना अलाउ नहीं है घर से। हमें तो हमारी फैमिली अलाउ करती है, ये हमें बोलते थे कि आप कितने अच्छे हो, आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, आपको अलाउ करती है, हमें तो एग्जीबिशन लगाने का मौका ही नहीं मिलता। वो मौका हमने यहाँ दिया है।
मन में सुकून होता है इस चीज का क्या? बहुत होता है जब इनका होता है ना, हमारा भले हो नहीं हो, इनका होना चाहिए, अगली बार इनके साथ ही आना है हमें, तभी सोचते हैं भले हमारा हो नहीं हो, इनका हो तो हम साथ चलेंगे। आप अभी तो जैसे हैंड बैग है, हाँ, बैग, और क्या क्या है? हमारे पास ये एसेसरी, इनविटेशन ज्वेलरी और हेयर एसेसरी और हैंडबैग सिर्फ। तो ये चीजें जो है बढ़ेगी आगे? हाँ, आगे तो थोड़ा बहुत, जैसे पहले थोड़ा कम था, फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दिया, एक साल में काफी कुछ कर लिया।